सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। इस दिन व्रती शाम को जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते हैं। उपासना के दौरान उनके हाथों में सूप होता है। इस सूप में कई फल और ठेकुआ का प्रसाद होता है। व्रतियों ने ढलते सूर्य को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद जल से बाहर आकर व्रती धूप दीप जलाकर सूर्य की पूजा करते हैं। व्रत करने वाले लोग दिन भर कुछ नहीं खाते। अगले दिन सुबह का अर्घ के साथ ही पूजा का समापन होता है। व्रती चीनी का शरबत पीकर व्रत तोड़ते हैं। पूजा के समापन के बाद व्रती अन्न या नमक ग्रहण करते हैं। इस दिन ठेकुआ का प्रसाद लोगों के बीच बांटा जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन छठ घाट पहुंचे और सूर्योपासना के पावन पर्व छठ की पूर्वांचलियों को बधाई देते हुए कहा कि भगवान भास्कर उनके सुख समृद्धि में वृद्धि करते हुए उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना और उसके बाद कठिन तपस्या करने वाले पूर्वांचली नागरिकों को भगवान भास्कर निश्चित तौर पर इसका लाभ प्रदान करेंगे। कैमरामैन चंद्र मिश्रा के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों और देवियों को मैं छठ के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये छठ का महापर्व हर वर्ष जो है आप लोग श्रद्धा के साथ उल्लास के साथ मनाते हैं और ये परंपरा भी आपके समाज में है कि सूर्य को उदय के साथ जो है अर्घ दिया जाता है, लेकिन सूर्य अस्त के समय अर्घ देने की परंपरा का निर्वाह जो है आप लोग कर रहे हैं। और मैं सूर्य देव भगवान के चरणों में यही निवेदन करता हूं कि आपके समाज में सुख समृद्धि बनी रहे, भाईचारा प्यार प्रेम बना रहे और सूर्य देव की कृपा जो है हम सब लोगों पर बनी रहे और सूर्य की भांति आपका समाज जो है चमकता रहे और आपका समाज जो है सूर्य की तरह सब पर जो है कृपा बरसाता रहे। बोलिए छठ मैया की। हम लोग पूरे परिवार मिलकर ये पर्व को मनाते हैं और ये इतनी बड़ी भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा समाज है। अगर हम सोनीपत की पूरे बात करें तो कम से कम मेरे समझ से 50,000 से ज़्यादा या 40,000 से 50,000 के बीच जो है ना हम लोग पूरे हैं, जो हम लोग सबको इकट्ठा करते। इसीलिए मैंने आज गवर्नमेंट से भी मांग किया है जो एक जगह हमें एक ऐसा पैलेस दिया जाए जो एक बड़ा सा हो और हम लोग पूरे सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट के इंक्लूडिंग कुंडली राय और जितने भी हम लोग करते हैं ना, एक बहुत बड़ा सा दिया जाए तालाब बना के। इसी साहब को भी हमने बोला था इसके लिए, तो वो कह रहे थे ठीक है आप लोग एक प्रपोजल दीजिए, आगे से हम लोग सबको इकट्ठा करेंगे। फिर हम लोग जो आज छुट्टी के चलते जो स्कूल में यहाँ बच्चे लोगों की छुट्टी नहीं होती है तो वो हम लोगों की जो महसूस होता है ना, जो हम लोग गाँव नहीं जाते हैं, तो आगे से अगर इस तरह की सरकार व्यवस्था करती है तो हम लोग समझिए एक गांव बना देंगे यहाँ। और हमें इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है जो हम लोग सारे पूरा समाज इकट्ठा होकर एक जगह नहीं कर रहे, कुछ यहाँ कर रहे हैं, कुछ हाउसिंग बोर्ड में, कुछ भावतराना में, कुछ श्रीनगर में। अगर सब को हम लोग इकट्ठा हो गए ये तो बहुत ही अच्छा था। और बड़े ही सादगी से और पावन पुण्य ये त्यौहार है और बड़े ही मतलब पवित्र भाव से, पवित्र मनोकामना से मनाया जाता है। छठ मैया के द्वारा कोई भी मन्नत मांगी गई हर एक मन्नत पूरी होती है। ये हम लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। उगते हुए सूरज का और डूबते हुए सूरज का हम पूजा करते हैं, ठीक है। आज हमारा डूबते हुए सूरज का था पूजा और सवेरे हमारा उगते हुए सूरज का पूजा होगा। और कल खरना था, आज जो है शाम का पहला अर्घ था और कल सुबह जो है उगते हुए सूरज का अर्घ देके और समापन किया जाएगा। तो इसमें जो है हम सारे पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं सब मिलके भाईचारा में जो मतलब एक साथ मिलके सारे मनाते हैं और ये बहुत ही अच्छा है आस्था के लिए हम लोगों के लिए कि हम कम से कम एक साथ बैठ के इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, ना किसी भी तरह का कोई वो नहीं होता है। हम सब भाई एक साथ भाई बहन मिलके जो है ये श्रद्धा से ये पर्व मनाते हैं।